आपका बिजनेस आपको बड़े लेवल पे लेके जाना है तो मैजिक नंबर का बहुत महत्व है। चलो उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई में अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। समित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मैं चेयरमैन हूँ और वहाँ से हम लोगों को उनके बिजनेस के बारे में काफ़ी सारे सेमिनार्स वर्कशॉप्स देते रहते हैं। उसमें एक मैजिक नंबर जो है जो निकालना पड़ता है लोगों को अपने बिजनेस में, तो वो क्या है उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो ये देखिए कि आपका अपेक्षित रेवेन्यू गोल क्या है, आप कितना रुपया कमाने वाले हैं एक साल में, कितना रुपया आपके पास में आने वाला है, और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, डरने का नहीं है। जब आप तैयार करेंगे, समझो आप 1 करोड़ का माल हर साल बेचते होंगे, 1 करोड़ का माल हर साल बेचते होंगे, आपका रेवेन्यू 1 करोड़ जमा होता होगा हर साल। तो हो सकता है कि अभी आप जब ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप बोल सकते हैं ठीक है मुझे है ना 5 करोड़ का रेवेन्यू मुझे जमा करना है अगले साल, तो वो कैसा करें? तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनाना पड़ेगा, और वो मैजिक नंबर जो है 5 करोड़, 1 करोड़ ये साल है, अगले साल 5 करोड़, तो वो कैसा करना, उसके लिए प्लानिंग बना के वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वो है क्या? तुमने एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको 4 तरह के आपके प्रोडक्ट रहते हैं। एक है फ्रीबीज, फ्रीबीज मतलब फ्री में आप वो प्रोडक्ट लोगों को देते हैं, लोग उसमें टेस्ट करते हैं, जानकारी लेते हैं आपके बारे में, एक टेस्ट उनको फ्री में मिल जाती है, तो एक फ्रीबीज प्रोडक्ट है, उसमें पैसा नहीं मिलता। या उसमें ऐसा होता है कि एकदम ही चिल्लर मतलब टाइम वेस्टर है वो, उसमें बहुत टाइम भी जाता है, पैसा कुछ आता नहीं है, और पैसा खर्चा भी हो सकता है और टाइम भी खर्चा होता है, तो फ्री बीज हो सकता है। फिर नंबर 2 का जो है वो है ईजी टू बाय प्रोडक्ट, नंबर 3 जो है वो है प्राइमरी प्रोडक्ट, और नंबर 4 जो है वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट। तो बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां कोई भी हो, वो ये 4 प्रोडक्ट में खेलते रहते हैं, सब प्रोडक्ट उन पर ये 4 रेंज में आते रहते हैं। तो फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये साल में मैं इजी टू बाय प्रोडक्ट कितने बेचने वाला हूँ, कितने यूनिट्स बेचने वाला हूँ, और एक साल में प्राइमरी प्रोडक्ट कितने बेचने वाला हूँ, और एक साल में हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है, हाई रिटर्न जिसमें मिलता है, वो प्रोडक्ट में कितने बेचने वाला। इजी टू बाय प्रोडक्ट में लो एफर्ट्स लो रेवेन्यू, फिर प्राइमरी प्रोडक्ट जो है तो उसमें हाई एफर्ट्स और हाई रेवेन्यू रहता है, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है। इजी टू बाय में लो एफर्ट्स लो रेवेन्यू, मगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट में क्या होता है कि लो एफर्ट्स एंड हाई रेवेन्यू, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कितने यूनिट्स, कितने आइटम्स, कितनी चीजें ये तीनों प्रोडक्ट में बेचने वाला हूं एक साल में। तो लो एफर्ट्स लो रेवेन्यू मतलब इजी टू बाय प्रोडक्ट है, वो एक साल में कितने बेचूंगा, फिर मंथली कितने बेचूंगा, वीकली कितने बेचूंगा और डेली कितने बेचूंगा। वैसे प्राइमरी प्रोडक्ट है मंथली, ईयरली कितने बेचूंगा, फिर हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में कितने बेचूंगा, 3 महीने में कितने बेचूंगा, 1 महीने में कितने बेचूंगा, 1 हफ्ते में कितने बेचूंगा, 1 दिन में कितने बेचूंगा, और वो नंबर यूनिट्स निकालना पड़ेगा कि डेली मेरे को कितने बेचने पड़ेंगे। और फिर हाई वैल्यू प्रोडक्ट में भी वही है कि साल भर में कितने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता और 1 दिन। तो इसे आप कैलकुलेट करते हैं, ये एक्सरसाइज मेरे साथ में बैठ के आप कर सकोगे, और जब भी कभी मौका आएगा तब, मगर अभी इतना ही है कि आप घर बैठे एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको इस तरह के यूनिट्स कितने बेचने पड़ेंगे रोज के, और फिर वो यूनिट्स बेचने के लिए कौन से एक्शंस लेनी पड़ेगी, वो भी फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इतने यूनिट यदि मुझे प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब हाई रिटर्न्स और हाई एफर्ट्स तो उसमें बेचना है, तो रोज कितने बेचने पड़ेंगे, उसके लिए मेरे को कितना मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए कितना क्या करना कम, मतलब एग्जैक्टली उसके एक्शन अपने को लिखने पड़ेंगे, और वो एक्शन लिखेंगे तो आपको समझेंगे कि मैं कर सकता कि नहीं कर सकता। कर सकते हैं तो उतने एक्शन लेने पड़ेंगे, तो आपको तीनों भी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। तीनों कौन से, इजी टू बाय प्राइमरी प्रोडक्ट, हाई वैल्यू प्रोडक्ट, और फ्री बीज तो ही जो हम फ्री में बांट रहे। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो मैजिक नंबर आपका आ जाएगा। एक बार मैजिक नंबर आपको आता है कि डेली मुझे इतने ही काम करना है, डेली मुझे इतने ही प्रोडक्ट बेचने का है, डेली मुझे इतने यूनिट्स बेचने का है, वो हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं, और डेली का आंकड़ा फिर बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, तो वो डेली का आंकड़ा दिखता नहीं फिर अपने को जरा एंथुजियाज्म देता है वो, और हम डेली फिर काम कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोग वो मैजिक नंबर अचीव कर सके। एक साल में डबल पॉसिबल है, एक साल में 5 गुना भी पॉसिबल है आने वाले एक साल में। आपके ऊपर है कि आप कैसा प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजाइज कैसा करते हैं,
उसको मैजिक नंबर के लिए डेली यूनिट्स कैसे आप तैयार करते हैं, उसका कैलकुलेशन, और वो हिसाब से एक्शन कैसे लेते हैं। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।